हेलो एवरीवन वेलकम टू एसर एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर तो अभी हम सब टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे कि व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम्स ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम वी हैव स्टडीड अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रूटरी सिस्टम तो ह्यूमन बींग्स के जो एक्सक्रूटरी सिस्टम का यूनिट क्या होता है ओके सो वॉट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन वी नो वेरी वेल नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी ठीक है क्या है इट इज दूनिट ऑफ नर्व सेल ओके तो नेफ्रॉन क्या हो गया यूनिट ऑफ किडनी हो गया नेफ्रीडिया भी होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम लेकिन नॉट इन नॉट इन ह्यूमन ह्यूमन का बींग्रीडिया नहीं होता है ओके सो किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी क्या है एक्सक्रिटरी ऑर्गन जरूर है बट यूनिट नहीं है ओके okay, बिकॉज हमारा किडनी जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से जुड़ के ही बना है तो so यूनिट की अगर हम बात करें जिनसे हमारा पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम बना है सो दैट इज नेफ्रॉन, सो वी हैव टू मार्क पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर सी ओके दिस द सेम जो आपने फ्रॉन्ट डायग्राम में देख रहे हो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ग्लोमेरुलस वॉमेंस कैप्स्यूल ओके जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चलता है जो फिल्ट्रेशन हमारा ब्लड का है सबसे पहले यहीं शुरू होता है फाइनली दैट ऑल जो फिल्ट्रेट है वो सारे ट्यूब्स में जाते हैं एंड फाइनली जो यूरिन बनता है इट इज़ कलेक्टेड इन दी लास्ट वन दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है फाइनली इट इज़ बीन एक्सक्रीटेड ओके okay, तो नेफ्रॉन ही होगा हमारा यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन री सेब दैट मीन्स पहले चीजों को सेलेक्ट करके री एब्जॉर्ब करना फर्स्टली क्या करता है हमारा किडनी जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है तो ग्रोमैरुलस में फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर हो गया शुगर और वी कैन से ग्लूकोज सॉल्ट सो ऑल दीज थिंग्स और वाटर तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है एज अ वेस्ट पहले तो ये फिल्ट्रेट बन के रिलीज होते हैं इन द टिब्यूल्स, ओके फिर टिब्यूल्स के अलग अलग पार्ट उन्हें रीअब्जॉर्ब करते जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको वापस रीऑब्जॉर्ब किया जाता है एंड वापस से क्या होता है कैपिलरीज उन्हें अपने में ले लेता है सो so दैट वापस उन्हें यूज अप करें बिकॉज द थिंग्स विच आर जो वेस्ट नहीं है फिर भी वो फिल्ट्रेट में पास हो गया था उन्हें सेपरेट एब्जॉर्बन होता है उनका सो वी कैन सेलेक्टिव री ऑफ़ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट वाटर, ये सब होता है ब्लड कैपिलरीज में बट हाउ विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट कौन सा पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का जो री एब्जॉर्बन में हेल्प करता है सो so, ग्लोमेरुलस में तो फिल्ट्रेशन का काम चलता है ओके सो फर्स्ट पार्ट जो ग्लोमेरुलस से जस्ट एक्सटेंड होकर निकल रहा है टिब्यूल फिर आगे आता है लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल देन कलेक्टिंग डाक सो टिब्यूल्स पार्ट टिब्यूल्स अगर बोला गया दैट मीन्स प्रोक्सिमल पार्ट भी और डिस्टल पार्ट भी टिब्यूल का ठीक है, ग्लोमेरुलस में तो फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉमेंस कैप्स्यूल इज अ कप लाइक शेप जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्लोमेरुलस को सपोर्ट कर रहा है ओके सो वी कैन नॉट से कि बॉमेंस कैप्स्यूल में रि होता है बिकॉज यहां पे तो फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलस में हो रहा है ओके सो दीज टू ऑप्शन विल बी रॉन्ग यूरेटर इज द डक्ट विच कलेक्ट द यूरिन ठीक है और वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है सो so अगेन हम लोग यूरेटर को भी मार्क नहीं कर सकते करेक्ट ओके सो सेलेक्टिव री का जो काम है वो ये टीब्यूल्स जो आप देख रहे हो प्रॉक्सिमल टीब्यूल देन डिस्टल एंड लूप ऑफ हेल्ले यहां पे होता है सो so, यहाँ पे सेपरेट नाम नहीं दिया गया बट ओनली टीब्यूल इट इज रिटन सो वी हैव टू मार्क दिस ऑप्शन नंबर ए वेयर री वर्क इज बीन डन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिन ब्लैडर किडनी को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लाडर फर्स्टली वी नो पेयर ऑफ किडनी है पेयर ऑफ यूरेटर ओके यूरिनरी ब्लैडर जो मस्कुलर ऑर्गन है मसल्स का बना हुआ है एंड वेयर फॉर टेम्परली जहां पर यूरिन कनेक्टेड होता है ओके सो नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू दूरिनरी ब्लैडर किडनी को यूरिन ब्लैडर से जोड़ता कौन है द ट्यूब दैट इज नोन एज यूरेटर ओके सो वी कैन मार्क डायरेक्टली यूरेटर इज द ट्यूब ओके सो यूरेथरा इज द ओपनिंग यूरेथरा क्या है द ओपनिंग थ्रू विच द यूरिन इज बिन रिलीज सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा ओके नेफ्रॉन तो पूरा यूनिट है किडनी का सो वी कैनॉट मार्क दिस बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली अबाउट द ट्यूब जो ट्यूब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है तो डायरेक्टली वी कैन मार्क यूरेटर, ओके? सो दिस इज़ द ट्यूब कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी में यूरिन जो बनने का प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप कौन सा पाथवे फॉलो करता है वी विल सी सो फर्स्टली किडनी जो फिल्ट filter, जिसमें फिल्टरिंग यूनिट्स है किडनी किससे बना है नेफ्रॉन से नेफ्रॉन्स में uh, क्या होता है फिल्ट्रेशन का काम चलता है ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उनमें जो वेस्ट है वो सेपरेट होता है सो फर्स्टली ब्लड कहाँ जाता है किडनी के पास ठीक है वेयर द प्यूरिफिकेशन डन इज गोइंग ऑन ठीक है तो किडनी सबसे पहला वाला ऑप्शन में तो किडनी होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट पार्ट द नेफ्रॉन्स में सारा वर्क हो गया वहां पे ट्यूब्यूल्स है जो कि सेलेक्टिव रिओब्जॉर्ब का काम करेंगे ओके फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में वो कलेक्ट होके कहा जा रहा है यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर देन फाइनली यूरेथरा सो विच ऑप्शन वी कैन मार्क लेट्स सी तो पहले है किडनी ओके इसमें भी किडनी है एंड ऑप्शन सी एंड डी इज ऑल्सो हैविंग द फर्स्ट पार्ट दैट इज किडनी देन द सेकेंड विल बी यूरेटर सो वी हैव टू मार्क यूरेटर देर इज ऑल्सो टू ऑप्शन ठीक है तो देखते कौन सा करेक्ट है देन फाइनली उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर सो हेयर गोज यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फाइनली यूरेथरा सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन दिस इज द करेक्ट पाथ वे ऑफ यूरिन ट्रांसपोर्ट और द यूरिनेशन प्रोसेस सो विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ह्यूमन सिस्टम में कौन सा पार्ट नहीं होता है फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑफ़ यूरेटर। यूरेटर तो होता है इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर ठीक है तो ये तो होता है गॉल ब्लैडर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीनस वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है डाइजेशन में हेल्प करता है ओके नाउ यूरे इज द ओपनिंग ये तो ओपनिंग थ्रू विच द यूरिन इज बिन रिलीज तो ये तो एक्सक्रिटरी सिस्टम का पार्ट है ओके एंड यूरिनरी ब्लैडर वेर द यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड तो फाइनली विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रिटरी सिस्टम जो एक्सक्रिटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है दैट इज गॉल्ड ब्लैडर ओके नेक्स्ट ज द यूरन कंजिस उनमें सल्फेट वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ऑल ऑफ दीज फर्स्टली वी शुड नो दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन इज मोस्टली नाइट्रोजीनियस वेस्ट ओके सो जिनमें सोल्ट भी फ्यू एक्सेस सॉल्ट भी होता है

लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ओके किडनी फिल्टरिंग यूनिट है किडनी के पास नेफ्रॉन है जो फिल्टर करता है ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लिवर आल्सो इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन डाइजेशन के लिए जूसेज बनाता है ओके बाइल जूसेज प्रोड्यूस इन द लिवर सो विच इज दिच ऑफ दिज फॉलोइंग द फिल्ट्रेशन ऑफ द वेस्ट डायरेक्टली वी कैन मार्क किडनी क्योंकि किडनी है जो वेस्ट हमारे ब्लड से जो वेस्ट है उन्हें सेपरेट करता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू डायलिसिस जब डायलिसिस होता है जिनके मींस इफ अ पर्सन किडनी इज बिन डैमेज तो उनके फॉर दैट अगर डैमेज हो गया किडनी तो क्या होता है डायलिसिस पे लोगों को जाना पड़ता है दैट मीन्स आर्टिफिशियल किडनी के मदद से ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है सो इन डायलाइजर जो डायलाइजिंग सोलूशन है या डायलिसिस के प्रोसेस में किस तरह का वेस्ट सेपरेट किया जाता है बॉडी से आइदर पहला ऑप्शन नाइट्रोजीनियस वेस्ट अनडाइजेस्टेड वेस्ट सेमी डाइजेस्टेड वेस्ट और लास्ट वन है नन ऑफ दीज तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट और डाइजेस्टेड वेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट में आ गया ठीक है अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है दैट इज दी एक्सक्री वेस्ट दैट इज रिमूव ड्यूरिंग द एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट सेमी डाइजेस्टेड वेस्ट भी नहीं नन ऑफ दीज सो यहां पे बेस्ट होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट बिकॉज वी नो इन यूरिन द मोस्टली द नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर बीन टेकन आउट तो डायलिसिस के प्रोसेस में भी क्या होता है ब्लड का फिल्टर होता है तो so, ब्लड को जब फिल्टर किया जाता है प्यूरिफाई किया जाता है तो मोस्टली उनमें किस तरह का वेस्ट होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट वी कैन राइट ओके लेट्स सी वॉट नेक्स्ट सो Now the next question is maximum amount of water from the glomerular filtrate is absorbed. Then that means question is asking ज़्यादा से ज़्यादा water कौन से part में reabsorb होता है? ठीक है? Firstly हमने पढ़ा है कि glomerulus में क्या होता? Filtration का, का काम चलता है। वो भी ultra filtration that means बहुत high pressure में blood यहाँ पे filter होता है। ओके okay? और जो भी वेस्ट ग्लोमेरुलस को जो भी वेस्ट लगा कि हाँ ये वेस्ट है तो वो वेस्ट को क्या करता है एज फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट के फॉर्म में प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटेड टीब्यूल पहला ट्यूब्यूल है लूप ऑफ हेनले है कलेक्टिंग डेप्थ जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है सो हियर द क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द ग्लोमेरोल फिल्ट्रेट कहाँ एब्सॉर्ब होता है फर्स्ट ऑप्शन डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले असेंडिंग लूप ऑफ एनले देन डिस्टिल कॉन्विलेटेड टीब्यूल एंड प्रोक्सीमल तो ऑप्शन में हमारे पास पहला प्रोक्सीमल कॉन्वेलेटेड टीब्यूल है नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग हियर प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल ये पार्ट लूप ऑफ हेनले का है बट वेयर इज डिस्टल डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम कौन सा है तो द डाउनवर्ड ये लूप जो नीचे की तरफ जा रहा है लूप ऑफ हेनले है यू शेप का होता है ठीक है तो ये ट्यूब क्या है यू शेप है बट द ट्यूब दैट इज गोइंग डाउनवर्ड इससे क्या बोलते हैं डिसेंडिंग नीचे की तरफ जा रहा है तो ये है डिसेंडिंग लिम और वी कैन राइट इन दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है ओके लूप ऑफ हेनले है अब जो ट्यूब ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज नोन एज असेंडिंग ये कौन सा लिम्प है असेंडिंग लिम्प सो द क्वेश्चन इज आग ज्यादा से ज्यादा री ऑब्जॉर्ब कहा होता है सो so, Ascending limb, descending limb, distil, no. Firstly, हमें याद रखना हो कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब वाटर जो होता है वो हो होता है प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स में पी सी टी बिकॉज जस्ट फिल्टरेट क्या होता है ना ग्लोमेरुलस से तुरंत कहा जाता है कौनसे ट्यूब में प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और यहीं पर ज्यादा से ज्यादा वाटर का री होता है जितने भी यूजफुल वाटर है वापस ब्लड कैपिलरीज तक चला जाता है एज यू कैन सी ये रेड वाले जो है वो ब्लड कैपिलरीज है मीन हमारा नेफ्रॉन जो है वो ब्लड कैपुलरीज से रैप्ड है ओके okay, सो so, जितने भी यूजफुल वाटर है जो काम के थे वेस्ट नहीं है तो अगेन इट इज रीएब्सॉर्ब बाई कैपिलरीज बट कहां पे होता है ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्बेशन प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल सो डायरेक्टली वी कैन मार्क डी नंबर क्योंकि यहां पर ही प्रोक्सीम पे ही पीसीटी के पास ही ज्यादा से ज्यादा रीएब्स ऑप्शन होता है ओके सोनाओ एक्सक्रीशन कॉमनली इन्वॉल्व तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या होता है फर्स्ट रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म और रिमूवल ऑफ द बाइ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म इज अ ब्रेकडाउन प्रोसेस ठीक है एनाबोलिज्म में कुछ बनने का प्रोसेस सिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और थर्ड वन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट और डी ऑप्शन ऑल ऑफ़ तो वी नो एक्सक्रीशन में जो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव होते हैं बॉडी से सो वी कैन डायरेक्टली मार्क रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ठीक है फ्लेम सेल्स जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स में नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ द किडनी और एक्सक्रिटरी सिस्टम का यूनिट है वैसे ही फ्लेम सेल्स भी एक्सक्रिटरी सिस्टम का यूनिट है बट किस ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म में अगर हमें फ्लेम uh, सेल्स देखने मिल सकता है दैट इज पहला ऑप्शन है प्रॉन सिल्वर फिश प्लेनेरिया हाइड्रा सो वी कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल ठीक है फ्लेम सेल को दिखाया जा रहा है दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया ठीक है ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है प्लेनेरिया ओके दे हैव फ्लेम सेल्स एक ट्रीज के जैसा ब्रांचेस दिख रहा है फ्लेम सेल्स ठीक है फ्लेम सेल्स इज देयर उसके भी न्यूक्लियस है सीलिया इज देयर ठीक है एंड इन द फ्लेम सेल्स वॉट द एक्सक्रीटरी वेस्ट आर बीन री तो प्लेनेरिया हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन दैट इज वी कैन से फ्लेम सेल तो डायरेक्टली वी कैन मार्क कि फ्लेम सेल कहां होता है इट इज फाउंड इन प्लेनेरिया ओके तो वेयर वी कैन सी इन प्लेनेरिया नाउ इन एमीबा एमीबा के बॉडी में मोस्टली जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है एमोनिया ओके सो इन एमीबा एमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू किस हाउ डज द्रिटरी वेस्ट दैट इज एमोनिया रिमूव फ्रॉम एमीबा ठीक है कैसे रिलीज होता है अमीबा के बॉडी से बाहर एमोनिया फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मा मेमब्रेन सेकेंड फूड वैक्यूल थर्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड डी ऑप्शन इज सेइंग कि बी और सी दोनों करेक्ट है सो फर्स्टली वी नो दिस अमीबा दिस डायग्राम ऑफ अमीबा इट इज हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस है अमीबा के पास ठीक है फूड वैक्यूल्स होता है फॉर स्टोरिंग फूड ठीक है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज डन वाई दी हेल्प ऑफ सेल मेंब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमीबा के बॉडी में उन्हें सब कलेक्ट करके रखता है एक दैट मीन्स टुगेदरली दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज एमोनिया कलेक्ट करके फाइनली किसे देता है सेल मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ठीक है तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिलीज होता है बाहर दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन है तो वी कैन मार्क प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रीट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओके सो डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिलीज होता है आउट बट कहां थ्रू द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके सो अमीबा में ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट है वो अमोनिया होता है सो Next, the kidney in the human beings are a part of system for. That means, kidney kis ka part hai? Nutrition, respiration, excretion, or transportation. Nutrition, it is a way of taking food. Respiration, mostly mahape oxidation of food hota hai. Excretion, removal of the waste product, and transportation may kya Circulation of blood. Or we can say, सर्कुलेशन ऑफ दूट वाटर मिनरल्स प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ दॉटर मिनरल फूड ये सब होता है एंड ह्यूमन में अगर ट्रांसपोर्टेशन तो ज्यादातर ब्लड के थ्रू होता है न्यूट्रिय एंड वेस्ट सारे चीजों का बट किडनी की अगर बात करें तो ये पार्ट है हमारा कौन सा सिस्टम का एक्सक्रीटरी सिस्टम का सो वी कैन से एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू किडनी तो